हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार नु कह रही दूनी दूनी होगी किसान की, दूनी का हमें बता मैं किस तरीके से दूनी होगी हमारी, हम जो बता रहे हैं किसान की फसल दूनी होगी, क्या तरीका है इन पर जो हमारी दूनी होगी, हाँ आय दुगुनी कैसे होगी, हमें वो हम प्रधानमंत्री से यही पूछना चाह, वे हमें बताओ दूनी कैसे हो सके, विचार विमर्श कर रही है सरकार दुगुनी करवा के रहेगी, क्या कहते हैं तरीका तो बताओ हमें, क्या तरीका है वो जो दूनी हो जाएगी, हम पहले यही सवाल करूँगा क्या वो दूनी कैसे हो जाएगी, हम भी उसका हमें भी 50 साल हो गए 60 साल हो गए खेती करते हुए, जब हमारे पास भारी दूनी नहीं हुई जो इस आंदोलन में दूनी कैसी कर देगा, मैं ये एक सवाल है मेरा, यो पहला तो, दूसरा यो है अब गन्ने पे गन्ना डाई का कट्टा उन्हें लिखा भाई डाई का कट्टा दड़ी का नौ दड़ी का कर दिया पैसे बढ़ा दिए, समझ गया, गन्ने पर 4-5 साल ले लिए एक गन्ने का एक रुपया नहीं बढ़ाया, कहाँ वही तो भाव जो पहला था, भाग क्या हो गया, भाग मुझे एक बता दे प्रधानमंत्री और जो इसका जिम्मेदार है क्या क्या भाव बढ़ाया, डीजल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, यूरिया कट्टे पैसा कट, यूरिया का कट्टे बता रहा मैंने, है भाई गन्ने पे एक पैसा नहीं बढ़ाया इनने, और गन्ने पर लागत कितनी आवे, खाद कितना लगे, तेल कितना लगे, हमें ये प्रधानमंत्री हम है, समझ लिए हम तो हैं इतने बड़े बना दिए और हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते उसे, समझ गए, वो प्रधानमंत्री है, हम एक किसान के बेटे हैं, हम बता रहे तुझे आज लो कोई भी चीज़ इन कम करी हो तेल करी हो, और रेल की बात करें कि रेल रोकेंगे कहाँ से रोकेंगे, जब बंद पड़ी रेल हमारे बालक रोकेंगे, अरे नहीं बालक जब रोकेंगे, रेल कहीं चल रही क्या बता दे मुझे, मुजफ्फरनगर से कहीं रेल चल रही हो जो यहाँ आज रेल खुलवा दे मुजफ्फरनगर की, यहाँ जनता घर में बैठ जाएंगे उसके प्रधानमंत्री के, रेल खुलवा दे तू, वो तो कह रहे ना कि रेल रोकेंगे, अरे रुकी रुकाई को क्या रोकोगे, मुझे मैं उसी आदमी से पूछा मैं नहीं तो पूछ रहा अगर रेल कौन रोकेगा जब रेल बंद है, रेल बंद नहीं बंद को बंद है रेल, नहीं रेल को रोकेंगे तो जब चल ही नहीं रही, जो यहाँ रेल चला देना है प्रधानमंत्री 15 दिन भी चला दे, 18 फरवरी को क्या रोकोगे फिर, आप ही तो कह रहे हो कि रेल रोको अभियान रोकेंगे, जो चल रही जो चल रही है रोकेंगे, 400 गाड़ियां चल रही, समझ गए, 82 दिन हो चुके हैं अभी तक सरकार नहीं मान रही है, क्या कहेंगे हम 82 हो गए ना, शायद 83 हो जाओ, शायद साल भर 2 साल हो जाओ, 2 साल के इसका 2 साल का रह रहा, मुख्यमंत्री का थोड़ा ही रह रहा, 1 साल है इन्हें पढ़ा देंगे हम, और क्या जाना किसान तो कौन किसान है, तो जीत जाएंगे हमारे दम पे, हमारे दम पे तो जीते हैं, नहीं दम पे नहीं जीतते, धोखे से जीतते, धोखे से जीतते, नहीं मैं हमें एक ही बात बतानी चाहा, ये प्रधानमंत्री लड़ेगा और ये पहले तो मुख्यमंत्री लड़ेगा, हम सबक सिखा के जाएंगे, सबक हमें भी पता चल गया और कहाँ तक चोरी हो रही, अब जब इनकी चोरी का पता चल जाए ना, ये क्या है अकवा जो वो मशीन है ना, मशीन पर हम बटन दबा रहे, अजीत सिंह की सीट इनकी जा रही, वो अब कब मोहर आवेगी और तो इलेक्शन होगा, और नहीं मोहर नहीं आवेगी इलेक्शन नहीं होगा, पेपर पे डालोगे अपने वोट, वो पेपर पे बैलेट पेपर पे डालेंगे, पेपर पे वोट डाल लेंगे और यो बन गया हम गुलाम हो जाएंगे इसकी इस प्रधानमंत्री के गुलाम, शिकल देखने का जो सरकार दम अपना दम दिखा के देख दो, या फोर्स लगा रखी ना, या फोर्स ला कर देख दो, जो एक घंटे में ये मारे भाड़ रहा है, एक घंटे में इन्होंने भगाया, हम भी डूब कर मरेंगे, फोर्स जो कहना जनता रहनी नहीं, और वहाँ किसान खाली पड़े,
ये एक घंटे का आदेश दो हमें, और एक घंटे में उस दिन में तो नहीं वो खड़े खड़े हम भी आराम से बैठे, हम भी तो आराम से सरकार कर रहे हैं। मैं पुलिस से पूछना चाह रहा कहीं को रोक, जब रेल ही चढ़वा दे तू, ये रेल चढ़वा दे प्रधानमंत्री, हम रेल नहीं रोकने के। जब यह रेल ही नहीं चलनी किसे रोकेंगे बताओ, किसे रोकेंगे? दुनिया कहता है दुनिया आमदनी हो जाएगी, दुनिया बढ़ा दी हमारे पर हाँ भाई, जैसा वो कहना दुनिया आमदनी हो जाएगी या दुनिया करी नहीं हमारे पर, और पेट्रोल पे डीजल पे गन्ने का भाव का एक रुपया नहीं बढ़ाया, गैस बढ़ा दिए हम, और इस तरह दुनिया क्या कर रखा है, यूरिया पर सुनते तो नौ धड़ी का कट्टा कर दिया, दस धड़ी का कट्टा रुपये बढ़ा दिए, पाँच किलो खाद घटा दिया और रुपए बढ़ा दिए, कट्टे पर क्या लेगा? कब तक बैठे रहोगे तुम यहाँ? जब तक हम जिंदे रहेंगे, जब तक ये जिंदे रहेंगे ना, और जब तक यह सरकार हमारे घुटनों में नहीं आवेगी, जब तक हम जिंदे रहेंगे। भाई इसमें यूँ कहना चाह रहे हैं, सरकार हमारी अजमाइश ले रही है और इन्हें एक वो रास्ता पड़ रहा है कि जितने आंदोलन जिसने भी करे इन्होंने वो किसी भी तरीके से उठा दिए, तरीके हम पे भी अपना रहे हैं, पर अब का यो मामला ऐसा भिड़ रहा, अब जितने तरीके अपना रहे हैं इनके ही पक्ष में जा रहे हैं, उल्टे पड़ रहे हैं इन पर, तो किसान इस बात का हटने वाला है नहीं, और यहीं रहेंगे जब तक ये हार नहीं मानेंगे और इन कानूनों ना बनेंगे जब तक किसान जाने वाला बिल्कुल नहीं है। ऐसा है शांति, पब्लिक से नहीं कुछ बिगड़ता, ये तो जो 26 जनवरी की बात कहेंगे आप कि 26 जनवरी पे शांति नहीं रही, वो तो इन लोगों की सोची समझी प्लान थी, हमारे किसी आदमी ने भी कहीं कोई टच नहीं करा, किसी का कोई सामान नहीं उठाया, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं करा, इन लोगों की जो सोची समझी प्लान थी। एक बात बताइए, मैं कम से कम 20 बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली आ चुका हूँ, जिस पोल पर वो झंडा दूसरे ने चढ़ाया हमेशा उस पोल पर झंडा चढ़ता था राष्ट्रीय, कम से कम 20 दफे देख चुका मैं राष्ट्रीय, लेकिन इन्होंने उस पोल को तो खाली छोड़ दिया और सवेरी लाल किले की बुर्जी पर अपना झंडा फहरा दिया, इन्होंने वो पोल जानबूझ के खाली छोड़ा ताकि इनका ही वो विद्रोही उस पोल पे झंडा चढ़ावे और फिर तुम किसानों को जुम्मे लगा दो, लेकिन किसान वहाँ तक ना गए, ना किसानों का झंडे से कोई वास्ता, ना वो किसानों का आदमी, कुदरत ने वो काम करा, इन्हीं के साथ उसके फोटो पाए गए, मजबूरन इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, नए करते नहीं अगर सबूत ना होते तो। रास्ते जो हमें बताए गए उन पर भी बैरिकेडिंग लगा दी इन बेईमानों ने, और वो RSS के आदमी पुलिस की वर्दी में थे जिन्होंने वो बैरिकेड लगाए और किसानों पर हमला किया। वोली एंटर को कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस ने खुद कही है हम आपको लेकर चलेंगे अपने रास्ते से, देखो पुलिस की ड्यूटी थी एक, हम यूपी से चले टोल से सिवाय टोल से, और यहाँ तक पुलिस की गाड़ी जो जिम्मेदार थी वो हमें यहाँ छोड़ के और जब गई, और उस इंस्पेक्टर का नाम भी विजेंद्र सिंह राणा है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, वो हमें यहाँ तक छोड़ के कहने लगा जी अब दिल्ली की सीमा मेरी ड्यूटी यहीं तक थी, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। पुलिस की ड्यूटी थी कि जो भी आंदोलनकारी चल रहा था उन ट्रैक्टरों के आगे अपनी जीप रखते, उन्हें बताते कि आपका रूट ये है, लेकिन सोच समझ के इन लोगों ने गवर्नमेंट ने RSS के आदमियों ने वो ड्यूटी नहीं दी और पुलिस से कह दिया कि आप ने रास्ता दे दिया अब आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। अलर्ट थे लेकिन इन्होंने ये पता नहीं था कि ये बेईमानी भी करेंगे, अलर्ट थे रास्ता पूछ लिया था सब तरह से समझा दिया था, लेकिन इन्होंने जान पूछ के ये काम किया, रास्ता छोड़ दिया, इन्होंने कुछ आदमियों को बरगलाया। मैं बताऊंगा जो हमारी जीप टूटी है उसमें वो पहले खो दिया बैरियर और फिर उसके बाद में आगे से बंद कर दिया पीछे से बंद कर दिया, तो सोची समझी प्लान थी और वो वर्दी में पुलिस के वर्दी में RS के गुंडे थे। हमने पहले भी इस रेल रोकी है, कई दफ़े रोकी है, बड़ी शांति में हर जगह रेल रुकेगी, यहाँ नहीं रेल आ रही ना रेल की पटरी ना हम यहाँ रोक रहे, हर गाँव के सामने
या हर स्टेशन पे उसी तरह की व्यवस्था होगी, शांति में रेल रोकी जाएंगी और वो आंदोलन हमारा संभव। सरकार तो बार बार कहती है लेकिन सरकार को एक पता नहीं, हमने एक चैन बनाई है, हमें खेत का काम भी करना और आंदोलन भी करना, तो हमने ऐसी चैन बनाई है कि हमारे 10 आ रहे हैं 10 जा रहे हैं 10 आ रहे हैं 10 जा रहे, और इसी तरह से हमारा आंदोलन चाहे जब तक सरकार राजमाइश ले इसी तरह से चलता रहेगा। हमारे चौधरी साहब ने कह दिया कि अक्टूबर तक का तो हमने प्लेटफार्म बना दिया। ये तो महंगाई बढ़ाते ही बढ़ाते आ रहे हैं, क्यों ये भूखे जाते हैं। ऐसा है कांग्रेस ने जो 60-65 साल राजनीति करी वो छिकरे थे, ये भूखे थे, और ये वो आदमी हैं, ये देश का पतन करना चाहते हैं, ये वो आदमी हैं जिन्होंने हमेशा जब अंग्रेजों का आंदोलन चल रहा था सन 1917 से और सन 1942 तक, इन लोगों ने गांधी जी का सामना करके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने गांधी जी का भी सामना करा, और उसके बाद में जो हमारे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी मैं एक आपको कैफियत सुनाता हूँ। उन्हें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मान लेते लोग बाग। जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों का 1945 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आंदोलन के साथ होकर और अपने 4 साथियों को अपनी गवाही पे अंग्रेजों का गवाह बन के माफ़ी मांग के अंग्रेजों का गवाह बन के और अपने 4 साथियों को फांसी लगवाई थी। अटल जी इतने बढ़िया थे और ये उनसे भी बढ़िया आ गए, और कारगिल युद्ध की जो देन थी वो रास्ता रोक खोल के पाकिस्तान का, वो अटल बिहारी जी की देन थी। इन्होंने कभी भी आरएसएस के जब से वो आए इन्होंने कभी देश का भला नहीं चाहा, हमेशा देश में मारामारी युद्ध करने और तोड़फोड़ चाहिए। काले अंग्रेज हैं ये तो जिस तरह से हमें ये देख रहे हैं हम इसी तरह से हम इन्हें देखेंगे। जबकि गाँव में प्रक्रिया शुरू होगी, कोई भी आरएसएस का नेता गाँव में नहीं बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा उसे बजाय फूल मालाओं के बजरी और गोबर से उसका स्वागत होने लग रहा है अभी गाँव में। अभी एक छुर में गए थे जो सिवाड़ खास से विधायक है, एक तेहरामी में गए, वो बिना, पहली तो बात ये बिना बुलाए गए, फिर दूसरी ये कि वहाँ गांव में पहुँच भी गए तो उन्होंने किसी ने उनसे बात नहीं करी। जब वो वापिस चलने लगे तो गांव के बच्चों ने गोबर और बजरी लेकर उनका स्वागत करा, कपड़ों पर भी गोबर, गाड़ी पर भी गोबर, और उसके साथ ही पुलिस स्कूल पर भी गोबर।